ये मेरा सेकेंड वीडियो है हिंदी में, और इस वीडियो में मैं आपको एक और विज्ञान से जुड़ा विश्वास को बताना चाहूँगा। हमारे भारत की संस्कृति अनमोल है, और इसमें दिखाए गए सभी विश्वासों के पीछे एक वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। इस कारण को दिखाना ही मेरा फर्ज है। सो आज का प्रश्न है, हम काले कपड़े मंदिरों में क्यों नहीं पहनते, क्यों पहनना वर्जित है? अभी आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक क्यों, मैंने देखा है बहुत सारे मंदिरों में, हिंदुओं और जैनिज्म के टेंपल मंदिरों में काले कपड़े पहनना वर्जित है। इसका एक कारण है पीछे, अगर आप पुजारी को पूछेंगे तो वह आपको सब माइथोलॉजिकल आंसर यानी एपिक्स रामायण महाभारत और उनकी भगवद गीता सब में सब स्टोरियाँ सुना के आपको बोलेंगे, जो एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, जो एक कारण नहीं होता। हमारा धर्म हमारी संस्कृति विज्ञान से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसको साबित करना ही मेरे चैनल का उद्देश्य है। सो आज के क्वेश्चन का आंसर जरा आप सोचिए क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। तो इसका कारण है गर्मी, काला कपड़ा गर्मी ज्यादा लेता है और सफेद कपड़ा बाहर देता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहूंगा। आप दो कपड़े, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का, दोनों को सूरज की किरणों के नीचे एक आधा घंटा रखिए। आपको पता चल जाएगा कौन सा गर्म ज्यादा होता है और कौन सा ठंडा रहता है। सो इसी कारण काले कपड़े पहनना वर्जित है। और एक और कारण है कि काले कपड़ा गर्मी ज्यादा लेता है अंदर। सो इस कारण पूर्वज पहले यज्ञ करते थे, यज्ञ यानी बीच में एक हवन होता था और सभी लोग पूजा करते थे, वो ये यज्ञ बहुत सारी गर्मी निकालता था। अगर काले कपड़े पहन के वहाँ पे बैठ जाते तो वो गर्मी काले कपड़े के अंदर चले जाती, जिससे लोगों के शरीर को हानि होता। इसके कारण पूर्वज ने काले कपड़े पहनना वर्जित बोला है, और यही एक कारण हो सकता है। अगर आपको कोई और कारण पता हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट सेशन में वो कमेंट कर दें, जिससे आप मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। और जब नॉलेज हम शेयर करते हैं, यानी जब हम ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए आपसे ये अनुरोध है, और आप ये चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस मैं निकालूंगा वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिससे आपको भी एक अच्छा सा मिलेगी। आशा है आप करेंगे। धन्यवाद। सी यू सून।